हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड का जो मंथली डिस्क्लोजर आता है उसकी मदद से हम अच्छे से अच्छा स्टॉक कैसे हम ढूंढ सकते हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर लोग हैं जो स्मॉल कैप, मिड कैप या तो मल्टी मिड कैप स्टॉक सर्च करने के लिए काफ़ी सारा टाइम पसार करते होंगे, पर आज की डेट में मैं आपके साथ एक ऐसी सरल और वंडरफुल मेथड शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ आपको एक प्रोफेशनली स्टॉक पिकिंग कैसे हम कर सकते हैं बिना अवर टाइम कंज्यूम करके। सो आज का दिन हम पहले आपको डेटा कहाँ से डाउनलोड करना है उसके बारे में बता देता हूँ। सिंपली आपको गूगल में लिखना है मंथली डिस्क्लोजर पोर्टफोलियो और इसके आगे आप कोई भी स्कीम का नाम ऐड कर सकते हो। यहाँ हमने एक्सिस का लिया है, यहाँ आप SBI, एडलवाइज, HDFC, अलग अलग जो भी हमारे पास, समझो HDFC किया तो यहाँ मंथली पोर्टफोलियो स्कीम HDFC आ गया। तो इसी तरह हम अलग अलग AMC जो भी म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका अलग अलग एनालिसिस करने के लिए यहाँ सिंपली हमको नेम का ही यहाँ चेंज करना है। मैं आज आपको दो एग्जांपल लाइव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक्सिस म्यूचुअल फंड एज वेल एज एडल्सवाइज म्यूचुअल फंड का टोटल एनालिसिस करके आपके साथ मेरा प्रैक्टिकल जो अप्रोच है स्टॉक पिकिंग के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ गूगल में कोई भी AMC का नाम मंथली डिस्क्लोजर पोर्टफोलियो के साथ लिखना है। जैसे ही आप एक्सिस का करते हो तो यहाँ आपको ये पूरा जो स्टेट्यूटरी डिस्क्लोजर एंड पॉलिसी उसमें आपको आ जाना है मंथली स्कीम पोर्टफोलियोस पे। यहाँ आपको अलग अलग मंथ की टोटल डिस्क्लोज होगी, यहाँ आपको सिंपली करंट मंथ का जो भी है वो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैंने मई और जून दोनों का लिया हुआ है, यहाँ आप जुलाई भी सिलेक्ट करते हो और यहाँ सिंपली डाउनलोड करते हो तो यहाँ आप देख सकते हो जुलाई महीने का टोटल हमारे सामने डेटा ओपन हो जाता है। सो आज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको मई जून की कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो जुलाई मंथ की जून महीने से भी कंपैरिजन कर सकते हो। इसी तरह आप एडल्ट वाइज में भी यहाँ जाना है, यहाँ आपको मंथली टोटल डिस्क्लोजर मिल जाता है मई जून जुलाई, तो यहाँ भी हम मई और जून का यह एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो मैं अभी आशा करता हूँ कि आपको अभी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, मॉडल है, वो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सिंपली आपको गूगल में जाके यहाँ कोई भी AMC का नाम लिखना है और मंथली म्यूचुअल फंड मंथली पोर्टफोलियो करना है, बाद में एक्सिस है तो मंथली स्कीम पोर्टफोलियोज में आके यहाँ अलग अलग आप चाहो तो जनवरी से लेके आज तक का यहाँ डाउनलोड करके उसका कंपेरिजन कर सकते हो। सेम वे यहाँ एडल्ट वाइज का है, यहाँ 2019 का भी आपको पूरा डेटा मंथ वाइज मिल जाता है। तो इसी तरह हम आज के दिन 2020 का जून और जुलाई महीने का मई जून का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ आपके सामने अभी उसका कंपेरिजन हम शुरू कर, तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने अभी एक्सिस स्मॉल कैप का यहाँ फंड चुना है मई मंथ का, यहाँ आप देख सकते हो मई 2020 है। तो सेम वे आपको जून 2020 का यहाँ सेम सीट ओपन कर ले। सो यहाँ आप देख सकते हो मैंने मिड कैप एक्सिस फंड जून महीने की सिलेक्ट कर ली है। सिंपली यहाँ आपको करना क्या है, इक्वल टू करना है, पहले यहाँ आपको इक्वल टू करना है, वी लुकअप लिखना है, बाद में यहाँ आपकी जो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड है उसको सिलेक्ट करना है, फिर कोमा करना है, फिर जो हमारी मई महीने की सीट होगी वहां जाना है, वहां जाके आपको सिंपली उसका टोटल जो हमारा सिलेक्शन एरिया है जो हमारे पास लास्ट में आरती सर्फेटांग्स लिमिटेड की स्क्रीप है वहां तक का हमको सिलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा करना है, फिर हमको 6 टाइप करना है क्योंकि 6 नंबर पे हमारे पास वेटेज ऑफ पोर्टफोलियो है और लास्ट में 0 देना है और क्लोज कर देना है ताकि हमको यहाँ आउटपुट शो हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो एक्सिस मिड कैप लिया है, तो यहाँ हमने स्मॉल कैप चुना है तो इसलिए वो चल नहीं रहा है, हमको सिर्फ सिंपली यहाँ
एक्सिस मिड कैप सिलेक्ट करना रहेगा, मल्टी कैप है या मिड कैप है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक्सिस मिड कैप की कंपेरिजन जून महीने की हम अभी करने वाले हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हो मिड कैप की है ऑलरेडी। मैंने अभी कंपेरिजन कर दी है आपके साथ, मैं अभी वी लुकअप की फॉर्मूला आपको शेयर कर रहा हूँ, इक्वल टू वी लुकअप करना है, फिर टेब लगाना है और एवेन्यू सुपर मार्ट हमको सर्च करना है दूसरी एक्सेल से। तो एवेन्यू सुपर मार्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ B7, वहाँ कोमा कर देना है, फिर हमको नेक्स्ट एक्सेल में जाना है जहाँ हमको सेम टोटल आउट फेस दिखाई देगा। एवेन्यू सुपर मार्ट से लेके ये पूरी जो हमारी 6 कॉलम है जहाँ परसेंटेज ऑफ नेट असेट लिखा है वहाँ तक का पूरा सिलेक्ट एरिया कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कोमा करके हमको 6 नंबर की कॉलम की कंपेरिजन 6 से करनी है, तो 6 लिख रहा हूँ, फिर कोमा, फिर 0 और ब्रेकेट क्लोज कर देता हूँ। तो मेरे साथ यहाँ आप देख सकते हो 4.0.499 यानी यहाँ 4.77% स्टेक था, इस क्वार्टर में 4.99 हो गया। हमको उसके साथ कुछ मतलब नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो हमको सिंपली परसेंटेज देखना है। यहाँ हमारा मेन फोकस रहेगा कि कौन सी स्क्रिप्ट ए म्यूचुअल फंड एक्सिस मिड कैप में नई ऐड हुई है, तो सिंपली यहाँ आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो जहाँ आपको एन ए यानी नॉट एप्लीकेबल जहाँ दिखने को मिलता है वो हमारे लिए काम का स्टॉक बन जाता है। यहाँ हमारे पास 3 स्टॉक आ गए हैं जिसमें हमको नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है, उसका मतलब लास्ट मंथ ये स्कीम में ये 3 स्टॉक इंक्लूड नहीं थे, इसी मंथ म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस 3 स्टॉक उसके पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। तो ये 3 स्टॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसकी एक अलग से एक्सेल प्रिपेयर कर लेनी है। यहाँ आप देख सकते हो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, उसमें कंपनी ने 0.35% स्टेक है। कोरोमंडल इंटरनेशनल और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, ये 3 कंपनी को हमको एक कॉपी करके एक एक्सेल शीट अलग से रेडी कर देनी है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने आपके एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक्सेल शीट ये तीनों कंपनी की यहाँ पोस्ट कर दी है। इसी तरह आपको अलग अलग जो भी अलग अलग सीम है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, लॉन्ग टर्म है, एक्सिस ELSS से अलग अलग फंड के साथ हम करंट मंथ की कंपेरिजन नेक्स्ट मंथ से मतलब अगले प्रीवियस मंथ से करते हैं तो हमारे पास एक पूरा लिस्ट आउटपुट आ जाता है, उसकी हम अभी एनालिसिस करेंगे लास्ट 1 मंथ प्राइस मूवमेंट के साथ। सो इसी तरह आपको एक इजीली मतलब म्यूचुअल फंड जिन कंपनी को उसके पोर्टफोलियो में अभी ऐड कर रहे हैं तो आप भी उसके साथ मतलब प्रोफेशनली जो लोग पिक स्टॉक करते हैं उसके साथ आप इजीली बिना हार्डवर्क किए आप उसमें शामिल हो सकते हो। मैं आपको एक अलग से मतलब दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो जून महीने की मैंने अभी एक्सिस मिड कैप की हमने एनालिसिस कर दी है। यहाँ हम टैब में दिखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक्सिस मल्टी कैप है, तो यहाँ मल्टी कैप में भी आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्केम लेबोरेटरीज और श्री सीमेंट, ये 3 कंपनी यहाँ नॉट एप्लीकेबल आ रहा है तो हमको ये तीनों कंपनी को अलग से लिख लेना है। हम एक यहाँ मैंने निफ्टी ETF में भी आप कर सकते हो, मैं अभी आपके लिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक डायनामिक प्लान स्मॉल कैप की हम बात करते हैं तो यहाँ स्मॉल कैप में सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 1% स्टेक है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में भी 1% स्टेक कंपनी ने इंक्रीज किया है म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक्सिस में। तो ये मैंने अभी से मतलब कर रखा है क्योंकि हमारा अभी टाइम ऐसे ही वेस्ट ना हो सके और वीडियो लंबा ना हो सके इसलिए। सो आप यहाँ देख सकते हो एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड, अभी हम एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड का एनालिसिस करते हैं तो आपको सिंपली जून महीने के फंड में जाना है, यहाँ हमने ऑलरेडी आ गए हैं। अब हम मई महीने का फंड चूज करते हैं, यहाँ हमको एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड हमारे पास आ गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो मई 2020 है, यहाँ हमारे पास जून 2020 है, तो सिंपली यहाँ इक्वल टू वी लुकअप करना है, टेब लगाना है, कोटक बैंक को सिलेक्ट करना है, कोमा करना है और यहाँ आपको ये पूरा जो एरिया है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो उसके बाद 6 कॉलम हमको चूज करनी है और 0 लगा देना है। तो हमारे पास अभी आप देख सकते हो कोटक का
आज की डेट में करंट मंथ में उसका वेटेज इंक्रीज हुआ है, पर हमारे लिए नया स्टॉक कौन सा ऐड हुआ है वो काम का है। तो आप यहाँ देख सकते हो इस पोर्टफोलियो में कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉट एप्लीकेबल यहाँ तक हमको कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, तो सिंपली हमको उसको इग्नोर कर देते हैं। और अभी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की हम बात करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, यहाँ सिंपली हमको अभी लुकअप कर देना है। सिंपली हम वी लुकअप की मदद से ये पूरी जो भी हमारी एक्सरसाइज है उसका हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये पूरा जो हमारा है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हमको 6 कॉलम पे हमको कंपैरिजन करनी है, तो सिंपली यहाँ मैंने कर दिया है। डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास देखो नॉन एप्लीकेबल कौन सा आया, बजाज फिनसर्व हम बोल्ड कर देते हैं, फिर एक आया एंड्योरेंस के ऊपर का कोरोमंडल इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में एक है इंफोसिस। इंफोसिस का भी इंक्लूजन इसी क्वार्टर में, मतलब इसी मंथ में उसमें इंक्लूज हुआ है। तो इसी तरह आप अलग अलग, मतलब पूरा जो भी कंपैरिजन है उस करने के बाद हमारे पास एक पूरा लिस्ट रेडी हो जाएगा, और वो लिस्ट में से हम अच्छे से अच्छा स्टॉक हमारे मतलब क्राइटेरिया में, समझो 100 करोड़ के बिलो मार्केट कैप का भी स्टॉक आएगा, और अलग अलग हमारे पास पूरा लिस्ट आ जाएगा, तो उस बेसिस पे आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। अभी हम एडल्स वाइज की भी एक बार एनालिसिस देखते हैं। तो अभी मैं एक्सिस फंड का अभी एक्सेल क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी तरह वी लुकअप देके उसको नॉन एप्लीकेबल जो भी स्टॉक है उसका एक पूरा प्रोसीजर करके एक एक्सेल रेडी कर रहा। तो यहाँ मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड का जून और मे महीने का दोनों का एक डेटा यहाँ सिलेक्ट करके रखा था। अभी हम एक एडल्स वाइज का ओपन करते हैं मे और जून मंथ का। तो यहाँ आप देख सकते हो एडल्स वाइज का डेटा हमारे सामने आ गया है, और उसका हम अभी कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ आपको सिंपली वी लुकअप करना है, कुछ नहीं करना है। एवेन्यू सुपरमार्ट उसको सिलेक्ट किया, यहाँ एवेन्यू सुपरमार्ट से शिफ्ट करके डाउन एरो करते हैं तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ उज्जीवन तक लेना है, फिर हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ भी 6 कॉलम की कंपैरिजन हम करने वाले हैं, तो सिंपली 6 लिखा, और आप देख सकते हो 6.4454% आ गया। हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल इस स्कीम में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हमको सिंपली उसको इग्नोर कर देना है, और दोबारा मतलब जो भी अलग अलग उसकी स्कीम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हो ट्रिपली SSF, तो यहाँ भी हम ट्रिपली SSF ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम अभी कंपैरिजन करेंगे जून और मई मंथ की, तो यहाँ सिंपली वी लुकअप करते हैं। इसी तरह आप मतलब अच्छे से अच्छा स्टॉक, मतलब जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी उसमें स्टार्टिंग करती है बाइंग का, वो मतलब मंथली डिस्क्लोजर एनालिसिस में आप आराम से इजीली उसका कंपैरिजन करके एक लिस्ट रेडी कर सकते हो, और आपका एनालिसिस करके उसके साथ आप उसमें निवेश कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारी कंपनीज इंक्लूड हुई है जून मंथ में, तो इसी कोई भी कंपनी का आपको सिंपली बोल्ड कर देना है और अलग से एक लिस्ट रेडी कर देना। आप चाहो तो देख सकते हो एलेम्बिक फार्मा ऑलरेडी 20% अप हो गया है। ये डेटा मतलब हर महीने की 7 तारीख को आ जाता है अगले मंथ का। तो यहाँ मैंने मई और जून का इसलिए लिया है कि आप लोगों को जुलाई मंथ का अभी डेटा 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उस डेटा को आप अपने आप इजीली मतलब उसको डिकोडिंग करके उसमें आप निवेश कर सकते हो। यहाँ ब्रिटानिया का भी इंक्लूजन हुआ है, इसी तरह पुली केब है, मतलब अलग अलग सिर्फ एवेन्यू सुपरमार्ट है, बायर क्रॉप केयर है, UPL है, LIC है, तो काफ़ी सारी कंपनीज का है, इंडरसोल है, तो यहाँ ABB का भी मतलब नहीं है, वो अगले महीने में भी था। तो हमारे लिए जो भी नई स्क्रिप्ट इंक्लूड हो रही है उसको हमको सिंपली ट्रैक करना है। तो आप चाहो तो अलग अलग स्कीम में अलग अलग जगह पे, मतलब आपके काम की स्कीम नहीं है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, समझो ये मेरे लिए कुछ काम की नहीं है तो मैं यहाँ सिंपली उसको डिलीट कर देता हूँ, तो मेरे को इजीली उसका
कंपैरिजन करना अच्छा रहेगा। यहाँ आप देख सकते हो हम अभी जून महीने की ट्रिपल ई एस सी एफ की कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रिपल ई एस सी एफ ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो जून महीने की कंपैरिजन मई महीने से हम कर रहे हैं। वी लुकअप कर दिया, मल्टी कमोडिटी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ सिंपली मल्टी कमोडिटी से लेके सिर्फ और एरो की से हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं बाद में हमको सिक्स लिख देना है ताकि हमको सिक्स कॉलम पे कंपैरिजन कर सके। और यहाँ आप देख सकते हो उसका वेटेज डिक्रीज हुआ है। और हमारे लिए नॉन एप्लीकेबल कौन सा है, तो यहाँ आप देख सकते हो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है, उसमें इस मंथ में 1.53% यानी 3,23,000 शेयर्स इस एडल्सवाइस म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंक्लूड हुए हैं। इसी तरह आप देख सकते हो एक इम्पासिस लिमिटेड करके कंपनी है, उसमें भी 1% स्टेक 51,000 शेयर्स इंक्लूड हुए हैं। अंबर एंटरप्राइज काफ़ी सारा मतलब 20% का मूवमेंट लास्ट एक वीक में दिखने को मिला था। तो इसी तरह मतलब जब भी आप अर्ली एनालिसिस करते हो तो आपको ये म्यूचुअल फंड का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करती है, और दूसरा उसका निवेश स्लोली स्लोली एक्यूमुलेशन फेज में चलता है। तो इस कंपनी में समझो डाउनफॉल आता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी उसको सपोर्ट करती है, और उसका नया फंड या इनफ्लो आने की वजह से उसमें एक गिरावट दिखने को नहीं मिलती है। तो इसी तरह आप देख सकते हो अलग अलग फंड की हम कैसे इजीली एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मंथली डिस्क्लोजर पोर्टफोलियो। तो यहाँ हम समझो अभी लार्ज कैप एंड मिड कैप का जो फंड है उसकी हम कंपैरिजन करते हैं, तो सिंपली मतलब आप मंथली बेसिस पे एनालिसिस करते हो तो आपको वीकेंड में आप समझो सैटरडे संडे को दो दो आवर्स ये पूरी जो प्रोसीजर करते हो तो आराम से आपको 5 या 6 स्टॉक हर मंथ मिल जाते हैं, और ये 6 या 10 स्टॉक्स में थे आप इजीली 10% तक का मुनाफा गेन कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी जब भी इंक्लूड करती है तो कॉन्स्टेंटली उसमें निवेश करने को सोचती है, और उसका जो वेटेज है वो आराम से अप जाता है। यहाँ अतुल इंडस्ट्री हमारे लिस्ट में एक आ गया है। तो इसी तरह आप पूरा एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद उसका मार्केट कैप, उसका हाई लो, उसका ईपीएस फंडामेंटल थोड़ा बहुत चेक करके आप उसका स्क्रीनिंग भी कर सकते हो। इस प्रोसेस की वजह से आपको पहला एक तो पूरा जो केमिकल या तो कोई भी सेक्टर में मूवमेंट आने वाली है म्यूचुअल फंड कंपनी की जो नज़रिया है उसका निवेश करने का जो आइडिया है वो आपको पता चल जाता है, और दूसरा आपको इस सेक्टर में कौन सी अच्छी कंपनी है उसमें आपको एक इजीली मतलब विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आपको ये पूरा लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट यहाँ मिल जाता है। यहाँ वी लुकअप देता है और आप यहाँ देख सकते हो ऊपर लिखा है लॉकिंग इक्विटी लिंक सेविंग फंड है, 3 साल का उसमें लॉकिंग आता है। तो ऐसा जो भी फंड है उसमें कंपनी एक अच्छे से अच्छा स्कीम का इंक्लूजन करती है, क्योंकि यहाँ हर बार उसको विड्रॉल की जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक यहाँ दिखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हो KNR कंस्ट्रक्शन का इंक्लूजन किया गया है। इसी तरह आप प्राज इंडस्ट्रीज का भी देख सकते हो, सेम वे प्रेस्टीज स्टेज का भी इंक्लूड हुआ है। रिलायंस का तो राइट आया था इसलिए यहाँ राइट में लिया गया है, तो हमको उसको सिंपली इग्नोर कर देना। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है वो टोटल 3 है। पहला, हम इजीली कोई भी स्मॉल मिड कैप या तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कंपनी का जो प्रोफेशनल लोग है पिक करते हैं उसके साथ हम उसी का जो मेहनत है उस पर हम आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं और उसी के साथ हम निवेश कर सकते हैं। दूसरा, इजीली हम कंपैरिजन करने के बाद कोई भी कंपनी का एक पूरा लिस्ट रेडी कर सकते हैं, और अलग अलग स्कीम का जो एनालिसिस है उसकी मदद से हम हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें एक रोटेशन मतलब सेक्टर में कौन सा सेक्टर में बाइंग हो रहा है और कौन सा सेक्टर में कंपनी सेलिंग भी कर रही है, आप चाहो तो इसी सीट में आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। कैसा, समझो HDFC बैंक का आज की डेट में यहाँ 7.46% का वेटेज है,
एसीड है मई 2020 की। तो यहाँ आप देख सकते हो एचडीएफसी का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 7.79% से। सो यहाँ आप देख सकते हो कि उसका जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो जिन सीट में या तो जिन स्कीम में उसमें चेंजेस हुआ है वो हमको सिंपली देखना है। समझो यहाँ एचडीएफसी का मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ आपको पूरा एचडीएफसी से रिलेटेड है, पूरी सीट सिलेक्ट कर लेनी है और क्वांटिटी हमारे पास फोर्थ कॉलम में अवेलेबल है। तो सिंपली मैं यहाँ 6 की जगह 4 लिख रहा हूँ, ये आ गई क्वांटिटी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि समझो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दी कि जून महीने की जो क्वांटिटी है उसमें से मई महीने की क्वांटिटी में लेस कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे यहाँ देख सकते हो सिंपली इंफोसिस में 13,000 शेयर का नया एडिशन हुआ है। सेम वे TCS में 3,300 शेयर्स का इंक्रीमेंट हुआ है। डॉक्टर रेड्डी में 1,300 है, यह नॉन एप्लीकेबल है तो ये दोनों कंपनी में कुछ हमको डेटा में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ नेस्ले में भी 273 शेयर्स का इंक्लूजन हुआ है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसमें आप यहां देख सकते हो शायद उसका नाम में कोई चेंज आ गया है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब यहां दिखने को नहीं मिल रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो इस महीने में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में कंपनी ने पूरा निवेश किया है। नवीन फ्लोरो का भी जो स्टॉक्स है वो लास्ट मंथ दिखने को नहीं मिला था, तो यहाँ भी आप देख सकते हो नवीन फ्लोरो का। तो यहाँ आप सिंपली देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वहाँ कंपनी ने सेल किया है 13,000 आरती इंडस्ट्रीज का, मतलब वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। तो इसी तरह आप उसमें नया एडिशन आया है या तो कंपनी ने स्टेक इंक्रीज किया है कि या रिड्यूस किया है उसकी कंपेरिजन आप कर सकते हो। अभी हम एक और भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वी लुकअप आपको सिंपली कर देना है, रिलायंस सिलेक्ट करना है, कोमा कर देना है, नेक्स्ट शीट में पूरा सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास क्वांटिटी फोर्थ कॉलम में अवेलेबल है तो हमको सिंपली यहाँ कोमा करके फोर्थ लिख देना है और जीरो करने से ब्रैकेट पूरा करते हैं तो यहाँ हमको सिंपली उसकी क्वांटिटी अवेलेबल आ जाती है और यहाँ आपको करंट मंथ में से अगले मंथ की लेस कर देनी है। तो यहाँ जो भी कंपनी में एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन हुआ है वो यहाँ आप देख सकते हो। ICICI बैंक का 1,80,000 शेयर्स यहाँ इंक्रीज हुआ है। इसी तरह आप देख सकते हो नवीन फ्लोरो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, तो अगले महीने में नवीन फ्लोरो नहीं था, SRF भी नहीं था, जिन कंपनी नहीं होगी वो वहाँ से आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री में आप देख सकते दिखने को मिल रहा है वो शायद राइट की वजह से उसमें दिखने को मिल सकता है। तो इसी तरह आप अलग अलग एनालिसिस के साथ ये पूरी जो BPCL है उसमें कंपनी ने अच्छा खासा सेलिंग किया हुआ है, उसके सामने टाटा स्टील का 41,000 शेयर्स लिए हुए हैं। तो इसी तरह आप एडल्सवाइज एक्सी से अच्छी जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिनका फंड 5,000 करोड़ से प्लस चल रहा है वो स्कीम आपको एनालिसिस करनी है ताकि आपको फ्लो मनी कहाँ से जा रहा है और किन सेक्टर में मूव हो रहा है उसका एनालिसिस आप इजीली कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक मेरी जो सलर स्ट्रीक है जो मैं अच्छे से अच्छा स्टॉक मतलब मंथली बेसिस पे 20-30% गेन करने के लिए जो चूज कर रहा हूँ वो आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपको अलग अलग स्कीम का जो भी एनालिसिस है वो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ हम समझो EAR FD का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो हम सिंपली उसमें कैसे कर सकते हैं। यहाँ आपको वी लुकअप कर देना है, सिंपली आपको ध्यान वही रखना है कि जून महीने में ये पूरी प्रोसीजर करनी है ताकि हमको पता चले कि मई महीने से जून महीने में कौन सी स्क्रिप्ट नई ऐड हुई है। तो इसी तरह हमने फोर्थ कॉलम सिलेक्ट कर ली ताकि हमको क्वांटिटी उसकी पता चल सके और
कोई भी नया स्टॉक इसमें ऐड हुआ है तो भी हमको पता चल सकता है। यहाँ देख सकते हो नेस्ले इस मंथ में इंक्लूड हुआ है, लार्सन एंड टूब्रो इस मंथ में इंक्लूड हुआ है, मदरसन सुमी भी इंक्लूड हुआ है, ग्रासिम भी यहाँ इंक्लूड हुआ है। और यहाँ आपको सिंपली करंट क्वांटिटी में से ये लेस कर देनी है, ताकि यहाँ आप देख सकते हो कि इंडोस्टार कैपिटल में कंपनी ने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। आप यहाँ देख सकते हो अगले मंथ में इंडोस्टार में कंपनी का इन्वेस्टमेंट बहुत लेस था, यानी उसका स्टेक आप यहाँ देख सकते हो इंडोस्टार, ये आ गया इंडोस्टार कैपिटल, यहाँ देख सकते हो 1% का स्टेक था वो, आज की डेट में करंट मंथ में सेम आपको ये इक्विटी एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन इक्विटी एंडेड एम तो वही आपको सेम 21 लाख क्वांटिटी बाय की हुई है। तो सिंपली यहाँ आप देख सकते हो इंडोस्टार की मे महीने से जून महीने में उसकी मूवमेंट देख लेनी है और उसका एनालिसिस कर लेना है। तो इसी तरह आप देख सकते हो ITC में प्रॉफिट बुकिंग किया है, सेम वे SBI में IGL में कंपनी में इंक्लूड हुआ है। तो आप काफ़ी सारी कंपनीज का इसी तरह एनालिसिस भी कर सकते हो और आपका खुद का मतलब एक मॉडल रेडी करके उसमें निवेश कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो टोटल जो भी यहाँ ये पूरा जो नया पूरा का पूरा जो नया इंक्लूड किया गया जनता फार्मा पोलिके बेलेम्बिक LNT सिप्ला यूनाइटेड स्पिरिट बजाज, तो इसी तरह आप वन बाय वन स्कीम का एनालिसिस करते हो तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया आपके जो नॉलेज है उसमें एडिशन हुआ है, और आशा करता हूँ कि ये भी जो हमारी मेथड है वो आपको अच्छे से अच्छे तरीके आपको अच्छा लगे और आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा मुनाफा मिल सके।